गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का है, और इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहले समझने वाली जो चीज जो होती है वो है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पिछली जो क्लासेस है उस पिछली क्लासेस में बेटा मैंने आपके साथ में डिस्कस करा था कि क्या डिस्कस करा था बेटा, मैंने डिस्कस करा था कि अगर हम किसी प्लास्टिक कॉम्ब को, किसको बेटा, प्लास्टिक कॉम्ब को अगर हम क्या करते हैं, रबड़ विद ड्राई हेयर के साथ में, अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब को किसके साथ में रब करते हैं बेटा, ड्राई हेयर के साथ में। दूसरा बेटा अगर हम रब करते हैं एबोनाइट रॉड को, रब मतलब होता है घिसना, कहने मतलब क्या है कि अगर प्लास्टिक कॉम्ब को और ड्राई हेयर के साथ में एक फ्रिक्शन बनाते हैं तो फ्रिक्शन बनने से एक एनर्जी डेवलप होती है, और उस एनर्जी की वजह से एक ऐसा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि ये जो प्लास्टिक जो कॉम्ब है वो डस्ट पार्टिकल, टिनी पीसेस ऑफ पेपर, फीडर्स और स्ट्रॉ को क्या कर लेता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। वैसे ही एबोनाइट रॉड को रब्ड विद किसके साथ में बेटा, कैट्स फर के साथ में। तीसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं किसके साथ में बेटा, ग्लास रॉड रब विद द सिल्क क्लॉथ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और मैंने आप लोगों को बताया था कि अंबर को अगर हम रब्ड करते हैं, अंबर रब्ड विद किसके साथ में बेटा, वूलन क्लॉथ के साथ में, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, और इस चीज से मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी कि प्लास्टिक कॉम्ब को जब हम रब करते हैं ड्राइयर के साथ में, एबोनाइट रॉड को रब करते हैं कैल्फर के साथ में, और ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में, और अंबर को हम रब करते हैं वुलन क्लॉथ के साथ में। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, रब करने से ये जो सब्सटेंस जो होते हैं, ये जो सब्सटेंस मैंने जो लिखे हुए हैं, ये डियर स्टूडेंट्स एक एडिशनल, डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक एडिशनल, इन पर एक एडिशनल इंट्रेंसिक, एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। क्या डेवलप हो जाती है, एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। उस एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी जो डेवलप जो होती है जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ में रब करें, एबोनाइट रॉड को कैटफर के साथ में, इसको इसके साथ में, अंबर को वूलन क्लॉथ के साथ में, तो बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लास्टिक जो कॉम्ब है, एबोनाइट रॉड है, ग्लास रॉड है, अंबर है, वुलन क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, कैट जो फर है, इन पर एक जो एडिशनल जो प्रॉपर्टी जो आती है ना, इस एडिशनल प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में और सोचें तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर इसे हम और सोचते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये कोई भी जो मैटर है, ये सारे मैटर ही तो है हमारे मटेरियल सब्सटेंस है। कोई भी जो मैटर जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो मैटर जो होता है वो बेसिकली किसका बना हुआ है बेटा, एटम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है, और एटम किसका बना हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, प्रोटॉन का बना हुआ है, और किसका बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन का बना हुआ है। इसका मतलब जो एडिशनल जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी जो आती है वो मटेरियल पर आती है। किस पर आती है, मटेरियल। मटेरियल का मतलब है कि उस एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी को एटम एक्वायर करेगा, या हम ये कह देंगे कि जो एडिशनल इंट्रेंसिक जो प्रॉपर्टी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी होती है, न्यूट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की होती है, ठीक है। हम ये करेंगे प्लास्टिक कॉम्ब एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है जब इनको हम सूटेबल सब्सटेंस के साथ में रब करते हैं। इसके बारे में हमने बोला है
कि ये हमारी क्या हो जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इसमें और सोचें तो आपको पता है कि ये सारे मेटीरियल ही तो है। मेटीरियल किसका बना हुआ है, एटम का, और एटम किसका बना हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और किसका बना हुआ है, न्यूट्रॉन का। ये मेटीरियल की पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब जो एडिशनल जो इंट्रेंसिक जो प्रॉपर्टी जो एक्वायर एडिशनल इंट्रेंसिक जो प्रॉपर्टी जो आती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन पर और किस पर आती है बेटा, प्रोटॉन पर आती है। इलेक्ट्रॉन पर और किस पर आती है बेटा, प्रोटॉन पर आती है। मैं अब आप लोगों को इसी चीज को और आपको एक बेहतर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी बेटा, क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁰ किलोग्राम होता है। ठीक है बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है बेटा। और मास ऑफ जो प्रोटॉन जो होता है बेटा, वो होता है 1.672 × 10⁻²⁷ अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये थोड़े से लास्ट के डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट इतना जरूरी है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से कैसा होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अपने आप समझ जाओगे कि सर अगर इनका मासेस है, अगर इनका क्या है बेटा, मासेस है, क्या है, मासेस। अगर इलेक्ट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्लेस कर देता हूं और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं बेटा, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा, आर है। ठीक है, इसका मास कितना बेटा, एम वन है, और इसका मास इसका बेटा एम टू। मासिस की वजह से जो फोर्स जो लगता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम नाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। उस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, एफ इज इक्वल टू जी इंटू में एम वन इंटू में एम टू अपॉन में क्या बेटा, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू, ये है बेटा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये जो निकाल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालूंगा, जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻¹ⁱ होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा। एम वन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 9.1 × 10⁻³⁰ इंटू में फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास एम टू, इलेक्ट्रॉन का मास तो वही है, कितना है 9.1 × 10⁻³⁰ है बेटा, 10⁻³⁰ अपॉन में। अगर ये डिस्टेंस इनके बीच की बेटा कितनी मान लू, अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस मान लू तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेटली आता है 5.5 × 10⁻¹⁶ न्यूटन। मतलब अप्रोक्सीमेटली जो पावर जो होती है वो सम मल्टीपल्स होती है, अप्रोक्स 10⁻¹⁷ के अप्रोक्स में होती है बेटा। ठीक है, 5.5 × 10⁻¹⁶ न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूटन। इसका मतलब ये जो फोर्स है आपको बताएगी, ये जो फोर्स है मासेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब इस फोर्सेस के साथ में इसको क्या करना चाहिए बेटा, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। बट ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि इवन मासेस होने की वजह से फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो ये दोनों क्या करने चाहिए बेटा, अट्रैक्ट करने चाहिए। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये अट्रैक्ट करने चाहिए, बट यहां पर ऐसा नहीं देखा गया। यहां पर क्या देखा गया, यहां पर ये चीज देखी गई कि यहां पर एक चीज ये देखी गई कि बेटा ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो थे ना, वो दो इलेक्ट्रॉन जो थे उनके बीच में एक ऐसा फोर्स लगा कि अवे फ्रॉम ईच अदर हो गए। क्या हो गया बेटा, अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा कहां की तरफ होता बेटा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो ये अट्रैक्ट करना चाहिए था,
बट हमने क्या करा बेटा, इसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक चीज ऑब्जर्व करी गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है मासेस की वजह से अट्रैक्ट करने चाहिए थे बट वो अट्रैक्ट नहीं करे। उनको वहां पर क्या देखा गया, वहां पर देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या हो गए बेटा, उनके बीच में एक फोर्स लगा जिसकी वजह से वो क्या हो गए बेटा, अवे फ्रॉम ईच अदर हो गए। इट मींस ये पता लगा गया कि बेटा एक एडिशनल फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में एक एडिशनल फोर्स और लगता है, एडिशनल फोर्स और लगता है, और वो जो फोर्स जो लगता है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वेरी लार्ज है। तो इस फोर्स का नाम बताया गया, इस फोर्स का नाम बताया गया बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स बताया गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आता है ये किस कारण आता है, ये चीज सबसे बड़ी चीज थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आता है इनके बीच में, मैं आपको लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। अब देखो यहां पर -67 है और यहां -24 है, तो बड़ा ये होगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स जो होता है ना बेटा वो एक एडिशनल फोर्स होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जिसकी वजह से बेसिकली वो क्या कर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके बीच में एक फोर्स लग जाता है, वो क्या कर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं रिपल विद दिस फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो किस कारण आता है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो मासेस के कारण आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसी कोई ना कोई और चीज भी रही होगी, कोई ना कोई ऐसी जरूर चीज एडिशनल और है उसके अंदर, एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है उस इलेक्ट्रॉनों के अंदर जिसके कारण वो बेटा क्या कर, जिसके कारण उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो जो एडिशनल जो प्रॉपर्टी है इन इलेक्ट्रॉनों पर, उस एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। इसी चीज को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम कॉल करेंगे जो एडिशनल जो इंट्रेंसिक जो प्रॉपर्टी जो राइज अप होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उनके बीच में, उसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उसको, हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कह रहे हैं कि क्या सर प्रोटोनों के बीच में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, प्रोटोनों से भी ये कराएगा कि मान लो अगर हमारे पास में एक प्रोटोन P1 है और एक दूसरा प्रोटोन P2 है, इनका मासेज होगा, मासेज की वजह से भी क्या लगेगा बेटा, एक मासेज की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा बेटा इनके बीच में, ठीक है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है तो ये भी अट्रैक्ट करने चाहिए थे, बट ये क्या नहीं हुए बेटा। इनको देखा गया कि जब हम दो प्रोटॉन लेते हैं, जैसे दो इलेक्ट्रॉन लिए वैसे ही अगर हम दो प्रोटॉन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, दो प्रोटॉन अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये मास ऑफ प्रोटॉन फर्स्ट का है और मास ऑफ प्रोटॉन ये किसका है बेटा, सेकंड का है, इनके बीच में डिस्टेंस बेटा R है, अगर मैं R को 1 मीटर लेता हूं तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बेटा, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, और वो भी डियर स्टूडेंट्स 10 के मल्टीपल्स जो होते हैं ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 10⁻⁶⁵ to 10⁻⁷ कुछ इनके बीच में अप्रोक्स में इसकी पावर आती है फोर्स की न्यूटन के अंदर, ठीक है बेटा। अब यहां पर इनके इस फोर्स के कारण ये क्या करना चाहिए बेटा डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करने चाहिए, बट यहां पर भी क्या नहीं देखा गया, अट्रैक्शन नहीं देखा गया। यहां पर क्या देखा गया बेटा कि ये जो फोर्स, ये जो प्रोटॉन्स जो थे
वो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे थे, डियर स्टूडेंट्स, रिपल कर रहे थे। रिपल का मतलब है वो अवे फ्रॉम ईच अदर थे, अवे फ्रॉम क्या थे बेटा, ईच अदर हो गए। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स तो उनको अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट वहां पर क्या देखा गया कि वो क्या हो रहे थे बेटा, वो क्या हो रहे थे, उनके बीच में एक फोर्स और लग रहा था। वो क्या था बेटा, कौन सा वो फोर्स, कैसा होगा वो फोर्स? डेफिनेट सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट होने चाहिए थे, बट वो अट्रैक्शन नहीं हुआ। अट्रैक्शन तो होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट बात है, बिल्कुल अट्रैक्शन होगा, बट यहां पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अगर हम किसी डिस्टेंस आर से सेपरेट करते हैं और उनके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस होती है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर एक एडिशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? एडिशनल फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स जो है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। और उसका जो मैग्नीट्यूड निकाला गया डियर स्टूडेंट्स, वो कितना निकाला गया? उतना ही मैग्नीट्यूड निकाला गया जिसका दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में था, 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन लें या दो प्रोटॉन लें तो उनके बीच में क्या लगता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो कहने का अगर सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब जो चार्ज जो आया होगा इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑन सॉरी प्रोटॉन, वो बराबर किसको होगा बेटा, चार्ज ऑन किसके बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के होगा। इसका मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, उस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अगर उनके बीच में चार्ज की वजह से अगर फोर्स इतना ही आ रहा जितना इलेक्ट्रॉनों के दो इलेक्ट्रॉनों को रखने से आ रहा था, उतना ही फोर्स दो प्रोटोनों के रखने से आ रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो चार्जेस की वजह से जो फोर्स जो आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनों पर प्रोटॉन पर, और वो सेम अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के क्या है बेटा, बराबर है। क्या बेटा? बराबर। तो हम इस डेफिनेशन को हम ये भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनना, इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, द एडिशनल इंट्रेंसिक का मतलब होता है बेटा भीतरी गुण होता है, द एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स राइज बिटवीन देम। इसको भी हम क्या कॉल करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको भी हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसको भी हम बोलते हैं कि क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर हम क्या लेते हैं बेटा, अगर मान लो हम दो न्यूट्रॉन को लेते हैं, एक न्यूट्रॉन ये है और एक न्यूट्रॉन क्या बेटा ये वाला है, फर्स्ट न्यूट्रॉन N1, दूसरा न्यूट्रॉन क्या बेटा N2, इसका मासेस अलग अलग है, बट यहां पर क्या देखा गया बेटा, यहां पर एक चीज देखी गई कि इनके बीच में नो इलेक्ट्रिक फोर्स मिला, मतलब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं देखा गया। इसका मतलब ये, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर नहीं देखा गया तो इनके अंदर कोई एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या है बेटा, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। ये कैसे पता चला न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि अगर हम दो न्यूट्रॉनों को अगर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर अगर हम प्लेस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जो चार्ज जो है केवल और केवल किस किस पर आ सकता, चार्ज जो है वो किस किस पर है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स पर है, या वो चार्ज किस पर है बेटा, प्रोटॉन्स पर है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होगा और प्रोटॉन पर भी क्या होगा बेटा, चार्ज होगा। प्रोटॉन पर भी क्या होगा बेटा, चार्ज होगा। ठीक है, और ये चीज पता लगाई गई कि
कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बेटा, जो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज जो होता है वो बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो बेटा जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। कितना में इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्लेंट कराएंगे? इसे, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम हमेशा किससे दिखाते हैं? ई से। इसका मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसको हम छोटे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस होता है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब। कूलाम्ब क्या है? कूलाम्ब चार्ज की एसआई यूनिट होती है बेटा। कूलाम्ब एक साइंटिस्ट है, ठीक है बेटा, और उस साइंटिस्ट ने ही ये बताया था कि जब हम दो इलेक्ट्रॉनों को और दो प्रोटोनों को अगर हम प्लेस करते हैं तो उनके बीच में इतने मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो ये कूलाम्ब ने बताया था बेटा, इसलिए चार्ज की जो यूनिट है वो क्या रखी जाती है बेटा? कूलाम्ब रखी जाती है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब होता है। और चार्ज ऑन, चार्ज ऑन बेटा किस पर? प्रोटोन पर। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। और आपको मैंने अभी क्लियर बताया था कि अगर हम दो प्रोटॉनों को और दो इलेक्ट्रॉनों को, अगर हम मान लो एक इलेक्ट्रॉन E1 और एक इलेक्ट्रॉन E2 है, यहां लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रॉन E1 और ये इलेक्ट्रॉन E2 है, या मान लीजिए ये प्रोटॉन P1 और ये प्रोटॉन क्या बेटा? P2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या बेटा? 1 मीटर है, और इनके बीच में अगर फोर्स अगर सेम लग रहा है, मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का सेम आ रहा है दो प्रोटॉनों के और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इसका मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड जो होगा, प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। पी पॉजिटिव दिखा रहा हूं उसको मैं, वो कितना होता है बेटा? अगर फोर्सेस सेम लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1 मीटर, फोर्स अगर सेम, प्रोटॉन प्रोटॉन 1 मीटर डिस्टेंस, तो फोर्स कैसा लगता है? सेम लगता है। इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या बेटा? बराबर है। बट वो कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब है बेटा, ठीक है। कूलाम्ब को हम बेसिकली कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से। और न्यूट्रॉन अभी बता दिया मैंने आप लोगों को, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। तो आज की क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया है? आज की क्लासेस में बेटा मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की दो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? एक ही डेफिनेशन इसको हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? द एडिशनल इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाय विच द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइज बिटवीन देम, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट क्या है? कूलाम्ब है। क्या है चार्ज यूनिट? कूलाम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब, चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, बट नेचर कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इनके बीच में दो न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स राइज नहीं होता, ठीक है बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मान लो एक इलेक्ट्रॉन हो और अगर एक प्रोटॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो और एक क्या हो? प्रोटॉन हो। अगर उनको हम 1 मीटर डिस्टेंस से अगर उनको हम सेपरेट कर देते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस से क्या कर देते हैं? सेपरेट करते हैं, तो इनके बीच में फोर्स जो लगेगा ना डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन 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 के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या सर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो सकता है? बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
तो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच में फोर्स लगेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, दो प्रोटॉन अगर रिपल कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। तो आज की क्लासेस में मैं आपको इतना ही करा पाऊंगा बेटा। आई होप आपको ये क्लास बेटा समझ आई होगी। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर लाइट वाले चैप्टर से बिल्कुल अलग है, वहां यहां पर लाइट का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला। तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बता दें जो आपके कॉन्टेक्ट में हमारे स्कूल में पढ़ता है, या कोई भी बच्चा है किसी भी स्कूल का, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर उसके पास में कोई मोबाइल फोन नहीं है बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा हूँ बेटा, आप मेहनत करें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है बेटा। गर्मी बहुत पड़ रही है, नींबू पानी जरूर पिए, ठीक है बेटा। कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए गर्मी में, ठीक है बेटा। तो अपनी पढ़ाई करते रहें, और अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स नई क्लास में ले रहे हैं तो उनको जरूर बताएं कि भाई सर ने दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करा दिया है, उसमें लाइट का कोई चैप्टर, लाइट का कोई कंसेप्ट यूज नहीं होगा, तो आप इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।